सो हेलो एंड वेलकम गाइस, तो स्वागत है आप सभी का इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के एक और न्यू वीडियो में। तो फाइनली यार आज की इस वीडियो में आप सभी को ऑटो रिक्शा का गेम प्ले दिखाने वाला हो। तो यार फाइनली न्यू अपडेट के अंदर ऑटो रिक्शा को ऐड कर दिया गया है और गाइस आपके तमाम सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में आप सभी को आज देने वाला हो, जो कि गाइस आप लोगों ने पूछा था कि इस ऑटो का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं या फिर इसका चीट कोड क्या होने वाला है। तो गाइस सारे आज के सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं और यार आप सभी को इस ऑटो रिक्शा के सारे फीचर्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक के ज़रूर से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना और यार आप लोगों ने फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है और गाइस सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना और यार कमेंट करके मुझे बताओ क्या ये आपको ऑटो रिक्शा यार कैसा लगा और इस ऑटो का आप लोग एक बार लुक यहाँ पर देख सकते हो। गाइस पूरा रियलिस्टिक वाली फील यहाँ पर आ रही है और इसकी नंबर प्लेट मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका नंबर है MH47B8789। तो गाइज यही इसका नंबर है और गाइज इसका आप लोग ये वाला लुक देख सकते हो। भाई साहब यहाँ पर इन्होंने गाइज एक हॉर्न भी ऐड कर दिया गया है और यार ये तो पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। और गाइज इसका आप इंटीरियर देख सकते हो, यार इसकी जो सीट्स है वो गाइज कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक और तगड़ी वाली लगाई गई है और साथ ही साथ में यहाँ पर भी एक नंबर प्लेट है लेफ्ट साइड में। और इसके बैक साइड में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार पूरा हमारा जो रियल वाला ऑटो है वैसे ही गाइज ये लग रहा है। और इसी के साथ इसका आप लोग ओवरऑल लुक भी देख सकते हो, जो कि गाइज हमारे रियल लाइफ में जो टिपिकल ऑटो रहते हैं गाइस उसी के तरह इसका लुक भी दिया गया है और यार ये काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर दिख रहा है। और गाइस अभी थोड़ी देर में आप सभी को इसका गेम प्ले भी कर दिखा दूंगा कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। और अभी मेरा कैरेक्टर गाइस इस ऑटो के अंदर बैठ चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार इसको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इसके कंट्रोल्स तो हमारे नॉर्मल कार्स के कंट्रोल के जैसे ही है, लेकिन यार अभी चलो फटाफट से मैं अभी इसको ड्राइव कर आप सभी को इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। और यार उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि यार आप सभी में से अभी तक के आधे से ज़्यादा लोगों ने यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो यार चलो अभी फटाफट से मैं अभी आप सभी को इसके ड्राइव भी कर दिखा देता हूँ। तो फाइनली अभी मैंने इसे ऑन कर स्पीड अप भी कर दिया और यहाँ पर अभी आप सभी को इसकी मैक्सिमम स्पीड भी मैं दिखा देता हूँ। तो यार मुझे लगता है इसकी मैक्सिमम स्पीड अराउंड 50 की होंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा फास्ट तो ये ऑटो नहीं जा पाएगा। और यार इसको आप लोग देख सकते हो इसके कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसको यार मैं टर्न करता हूँ तो यार ये वन साइड में ही गाइस झुक जाता है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है इसमें तीन ही टायर्स लगे हुए हैं तो इसकी वजह से गाइस हम लोग इसको जो एक ज़्यादा तीखा मोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि गाइस अगर हम लोग इसको ज़्यादा तीखा मोड़ देते तो यार ये वन साइड में झुक जाता है। तो इसी रीज़न की वजह से यार मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कंट्रोल्स थोड़े डिफिकल्ट है। और इसी के साथ में यार मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर गाइस अगर हमारे टैक्सी का मोड अगर आ जाए तो यार कितना मज़ा आ जाए पिकअप एंड ड्राइव का। तो यार आपको क्या लगता है कमेंट में फटाफट से बताओ यार, क्या हमारे गेम के अंदर टैक्सी मोड ऐड होना चाहिए या नहीं, तो फटाफट से कमेंट में बताओ। और यार मुझे तो ऐसा लगता है यार ये ऑटो तो ओवरऑल बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कंट्रोल्स थोड़े डिफिकल्ट है और यार हम लोग इसके अंदर एक हॉर्न नहीं बजा सकते जो कि हमें दिया गया है, लेकिन यार उसका ऑप्शन अभी यहाँ पर हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन यार इसकी हम लोग लाइट्स जो है ऑन कर सकते हैं तो वो एक हम इसके अंदर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉर्न हम लोग नहीं बजा सकते और यार किसी को हम लोग इस ऑटो के अंदर यार बिठा भी नहीं सकते। तो ये गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम के अंदर आगे ऐड होना चाहिए। तो यार अभी फाइनली मैंने आपको पूरा ऑटो का ओवरऑल लुक भी दे दिया हूँ और आपको उसका इंटीरियर भी बता दिया हूँ और यार उसका आपको मैंने एक गेम प्ले भी कर दिखा दिया हूँ। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ओवरऑल ऑटो तो काफ़ी ज़्यादा सही है और उसका लुक भी यार काफ़ी रियलिस्टिक और किलिंग वाला है और गाइज उसके इंटीरियर्स तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। तो यार चलो अब हमारा फाइनली हम लोग बात कर लेते गाइज ऑटो के कलर के बारे में। जी हाँ गाइज, आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम लोग ऑटो का कलर चेंज कर सकते हैं, उसे ब्लैक कलर से ऑरेंज, ग्रे, वॉलेट या फिर वाइट कुछ और कलर कर सकते हैं क्या नहीं। तो यार इसका आपको जवाब मैं दे देता हूँ कि नहीं, अभी आप लोग गाइस ऑटो का कलर चेंज नहीं कर सकते हो, वो गाइस आप लोगों को ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा। तो यार आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों यार रोहित भाई, हमें इसका कलर भी चेंज करने देते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो यार मुझे भी ये बात पता है, लेकिन यार अभी फ़िलहाल में तो ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यार हम लोगों को सिर्फ ऑटो ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यार आप में से सबसे ज़्यादा डिमांड आपने ब्लैक कलर वाले ऑटो की थी तो रोहित भाई ने इसे जो है ऐड कर दिया है और यार आप सभी को मैंने उसका ओवरऑल व्यू और लुक भी बता दिया हूँ। तो यार अभी तो फिलहाल में वो सर्विस हमें नहीं मिलेंगी कि हम लोग ऑटो का कलर चेंज कर पाए,
और यार अब आपको इसके अलावा मैं एक और बात बता देता हूँ। आप लोग अब पूछोगे कि फाइनली में ऑटो का जो चीट कोड है वो क्या है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो हमारा ऑटो है उसका चीट कोड अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो यार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी चीट कोड्स इस गेम के अंदर ऐड होते हैं तो रोहित भाई वो न्यू अपडेट आने से एक या फिर दो दिन पहले ही सेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही कि इस गेम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ऐड होती रहती है, तो यार वो आखिरी में ही जो सभी चीट कोड्स होते हैं उसे ऐड करते हैं। तो यार मैं आप सभी को जो है सारे के सारे चीट कोड्स अपडेट आने के एक दो दिन पहले ही बता दूंगा, और आपको इस ऑटो रिक्शा का भी चीट कोड मैं फाइनली अपडेट आने से एक या फिर दो दिन पहले आप सभी को बता दूंगा। तो यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और यार ये पक्का प्रॉमिस है जैसे ही इस गेम का अपडेट आएगा तो उसके एक या फिर दो दिन पहले आप सभी को मैं इस ऑटो रिक्शा का चीट कोड फाइनली बता दूंगा, क्योंकि जब तक वो चीट कोड जो इस गेम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑटो रिक्शा की स्पीड के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ऑटो रिक्शा है उसकी स्पीड फाइनली हम लोगों को देखने को मिलेंगी 50। जी हाँ गाइज, आपको जो है 50 की स्पीड मैक्सिमम ऑटो की देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ऑटो को आपको पता है कि यार उसके कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट है, तो उसके वजह से गाइज हमें जो है उसे ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसी वजह से जो इसकी स्पीड है वो कम रखी गई है। अब आप लोगों को मैं इसके आवाज़ के बारे में बता देता हूँ। जो ऑटो का आवाज़ है वो सीधी सी बात है यार हमारे जो कार से उससे अलग ही है, तो वो आप सभी को काफ़ी प्यारा है और डिसेंट है, तो वो आप सभी को देखने को मिलेगा। और वह जो हमारा ऑटो है वो गाइज हमारे नॉर्मल ऑटो जैसा ही काफ़ी हद तक बनाया गया है, और उसका जो डिज़ाइन है और जो उसका साउंड क्वालिटी है, और उसी के साथ में आप सभी को मैं बता दूँ कि गाइज उसके जो कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी हद तक के हमारे नॉर्मल ऑटो के जैसे ही रखे गए हैं, लेकिन उसका जो ऑडियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो तो सीधी सी बात है यार, वो ऑटो है उसका साउंड इतना ज़्यादा सही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग आपके डेली लाइफ में भी देखते हो जो कार्स होती है उसका साउंड थोड़ा अच्छा ही आता है ऑटो से। तो यार ये चीज़ें तो थी जो इस गेम के अंदर अभी ऐड कर दी गई है हमारे ऑटो रिक्शा के अंदर। और यार आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इस गेम के अंदर एक न्यू मॉडिफाइड एंडीवर कार भी ऐड हो चुकी है, जिसका चीट कोड तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि है 2020। तो वो भी गाइस आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेंगी। और फाइनली यार आप सभी को मैं अब एक न्यू चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि इस गेम के अपडेट के अंदर फाइनली हमें देखने को मिल सकती है। तो यार वो चीज़ है न्यू बाइक। जी हाँ गाइस, न्यू बाइक इस गेम के अपडेट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, जो कि शायद से हो सकती है रॉकी बाइक, या तो यार कोई डिफरेंट भी हो सकती है, तो वो अब अपडेट आने के बाद पता चलेगा। और इसी के साथ में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि गाइस इस गेम के अंदर फाइनली न्यू अपडेट में आप सभी को RGS टूल के न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस, आपको RGS टूल के न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। और यार आप सभी को एक गुड न्यूज़ भी मैं देना चाहता हूँ, जो कि RGS रोहित गेमिंग स्टूडियो की तरफ से हमें मिली है। तो यार आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और यार ये जो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ़ायदे की भी हो सकती है, क्योंकि फाइनली रोहित भाई ने हमारे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लाई है, जिसकी मदद से यार आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हो। तो उन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब पर एक मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जितने भी लोग आप लोग जो मॉड बनाते हो इस गेम के अंदर RGS टूल की मदद से, तो आप लोगों को उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पब्लिश करनी है, जिसी के साथ में आप सभी को उसके अंदर उसकी मॉड जो फाइल है वो डालनी है, ताकि यार रोहित गेमिंग स्टूडियो उसे देख सके। और यार आप में से किसी का भी अगर उनको वीडियो पसंद आ जाता है और जो आपने मॉड बनाया है वो पसंद आता है, तो वो फाइनली न्यू अपडेट के अंदर ऐड करेंगे, और वो भी आपके चैनल के नाम के साथ में। तो यार इतने सारे फायदे हमें जो है अभी मिल चुके हैं, तो आप लोग फटाफट से अपना मॉड भी बना सकते हो। तो यार फटाफट से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलते रहे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यार फटाफट से लाइक कर दो। फाइनली अभी हमारे न्यू अपडेट के अंदर आप सभी को 3 से 4 चीज़ें जो है अपडेट में देखने को मिलेंगी, उसमें से कई पहला है हमारा ऑटो रिक्शा, और इसके बाद में सेकंड पे आता है RGS टूल्स के न्यू फीचर्स, और साथ ही साथ में थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेंगी एक न्यू बाइक, जो कि रॉकी बाइक भी हो सकती है या फिर कोई और भी बाइक हो सकती है। तो यार इतने सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड होने वाले हैं, तो यार फटाफट से आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप सभी को मैं वीडियो बनाकर दिखा दूँ। और यार अभी जो मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मॉड से रिलेटेड, जो कि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हमें मैसेज भेजकर बताया, तो यार आप में से अगर किसी को नहीं समझाए तो मैं आपको समझा दूँ कि जो भी आप लोगों ने इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स बनाए हैं, जैसा कि RGS टूल का न्यू अपडेट आया था,
तो उसकी मदद से यार आप लोग कुछ भी इस गेम के अंदर बिल्ड कर सकते थे। तो यार ये जो यूज़र्स है इस गेम के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। तो यार आप सभी को फटाफट से जो है आपने मॉड बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, हटके है और या फिर डिफरेंट है, तो आप सभी को उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, वो आपको यूट्यूब पर अपलोड करनी है विद आपकी जो मॉड फाइल है उसकी लिंक के साथ में। तो यार रोहित गेमिंग स्टूडियो वो वीडियो देखेंगे और यार उनको अगर वो पसंद आया तो वो डायरेक्टली इनबिल्ट इस गेम के अंदर हमेशा के लिए उस चीज़ को ऐड कर देंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने कोई स्कूल बनाया या फिर कोई मिलिट्री बेस बनाया जो कि काफ़ी डिफरेंट हटके है और यार काफ़ी ज़्यादा सही बना हुआ है, तो वो आपका मॉड फाइल परमानेंटली इस गेम के अंदर ऐड कर देंगे, वो भी आपके चैनल नेम के साथ में, ताकि आप जितनी बार गेम ओपन करो तो यार आपका चैनल का नाम भी उसमें दिखे, तो क्योंकि आप लोगों ने उसे बनाया है। तो यार ये काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन है रोहित गेमिंग स्टूडियो की तरफ से हमें मिली है। तो यार आप लोगों ने जितने भी मॉड्स बनाए हैं जो कि इंटरेस्टिंग होंगे तो यार वो आप लोग अपलोड कर सकते हो। और यार अगर आपको नहीं समझा तो मैं यार नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ समझा दूंगा। बाकी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको डेली न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहे इस हमारे गेम से रिलेटेड। तो यार फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दो और आप सभी को ऑटो रिक्शा का अपडेट कैसा लगा कमेंट में बताओ। और हाँ, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।